नवगठित बालोतरा जिले के पुलिस विशेष अधिकारी हरिशंकर ने पदभार ग्रहण किया। हरिशंकर ने एएसपी कार्यालय बालोतरा पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। यहां पुलिस अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर जिले के पहले पुलिस अधिकारी का स्वागत किया। बता दें कि बालोतरा जिले के नोटिफिकेशन से पहले हरिशंकर को ओएसडी का दायित्व मिला है। पदभार ग्रहण के बाद बातचीत में हरिशंकर ने कहा कि इस पद के तहत जो टास्क दिया है उसे जल्द से जल्द जिले का स्वरूप दिया जाएगा। बालोतरा से थाना राम मालिक की रिपोर्ट। नवगठित बालोतरा जिले के पुलिस विशेषाधिकार हरिशंकर ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। हरिशंकर ने एएसपी कार्यालय बालोतरा पहुंचकर पदभार ग्रहण किया, जहां पुलिस अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर जिले के पहले पुलिस अधिकारी का स्वागत किया। आपको बता दें कि बालोतरा जिले के नोटिफिकेशन से पहले हरिशंकर को ओएसडी का दायित्व मिला है। पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में हरिशंकर ने कहा कि आज राज्य सरकार के आदेशानुसार बालोतरा में पुलिस विशेषाधिकार पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इस पद के तहत जो टास्क दिया गया उसे जल्द से जल्द जिले का स्वरूप दिया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता पुलिस महानिदेशक महोदय से मिले आदेशों की पालना करना है, जिसके तहत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आवास, पुलिस लाइन, अभय कमांड सेंटर, पुलिस कंट्रोल रूम की व्यवस्था को देखना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने जो अन्य विभाग दिए हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर जिला पुलिस की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है। साथ ही जिले के स्तर के सभी कार्यालय, आधारभूत सुविधाएं, उनके विकास की दृष्टि से योजना बनाकर काम करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी रहेंगी वो श्रीमान पुलिस महानिदेशक के द्वारा जो हमारे को डायरेक्शन दिए गए, कुछ पॉइंट्स दिए गए, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आवास और अन्य जो अभय कमांड सेंटर, पुलिस कंट्रोल रूम, इन सब की व्यवस्थाएँ देखना, जिला प्रशासन के जो अन्य विभाग हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके जो जिला पुलिस है जो व्यवस्था है अपनी उसको सुचारू रूप से संचालित करना पहली प्रायोरिटी ये रहेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो अधिकारी हैं श्रीमान डीजीपी साहब और जो आईजी साहब जोधपुर रेंज, उनके द्वारा जो डायरेक्शन मिलेंगे उनके काम किए जाएंगे। विशेषाधिकार हरिशंकर ने बालोतरा पहुंचने पर एएसपी सुभाष चंद्र, डीएसपी बालोतरा नीरज शर्मा, बालोतरा थानाधिकारी उगमराज सोनी, पचपदरा थानाधिकारी राजेंद्र सिंह, जसोल थानाधिकारी डिंपल कंवर, कल्याणपुरा थानाधिकारी कैलाश दान, मंडली थानाधिकारी कमलेश कुमार, सिंदरी थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।